ओम शांति। सन 1936-37 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा को निराकार परमात्मा शिव ने विश्व के महापरिवर्तन और परिवर्तन के पश्चात आने वाली नई सतयुगी देवीय दुनिया के साक्षात्कार कराए। उसमें उन्होंने प्राकृतिक प्रकोप, विनाशकारी अणु शक्ति और ग्रह युद्धों के द्वारा दुनिया का विनाश होते देखा। लोगों को जब उन दिनों इस बारे में अवगत कराया जाता था तो वे इसे कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों ने साक्षात्कार की उस बात को आज एक सत्य दृश्य की तरह हमारे सामने खड़ा कर दिया। पर्यावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहे हैं, जल तथा वायु दूषित होते जा रहे हैं, विश्व के हर खंड में कहां भूकंप कहां सुनामी, कहीं ज्वालामुखी कहीं तूफान, कहीं अतिवृष्टि और अनावृष्टि तथा कहीं बाढ़ का प्रकोप है और कहीं युद्ध ही युद्ध दिखाई देने लगा है और लाखों की संख्या में मानव प्राणियों के साथ साथ वनस्पति और धन संपत्ति भी नष्ट हो रही है। अब तो पृथ्वी का तापमान भी अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, हिमालय के और विश्व के चारों ओर के बर्फीले पहाड़ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। फलस्वरूप समुद्र तट पर बड़े बड़े शहरों के पानी में डूबने की आशंका भी बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा G8 राष्ट्रों की परिषद के वर्तमान अध्यक्ष के अनुसार बढ़ती हुई गर्मी ग्लोबल वार्मिंग का भीषण परिणाम अति शीघ्र भारत के सामने आने वाला है और सन 2036 तक इस संबंध में भारत में भयंकर समस्याएं निर्मित होंगी। इसके निवारण के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग भविष्य के लिए ग्लोबल वार्मिंग है। अनेक प्रकार के यंत्र, केमिकल व इंजीनियरिंग कल कारखाने तथा यातायात के वाहनों को दूषित वायु के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। साथ साथ लोगों की निकृष्ट मनोवृत्ति, तमोगुणी भोजन तथा उनके काम क्रोध लोभ मोह हिंसा द्वेष आदि के वश हो जाने से भी वातावरण दूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए क्रोध के कारण घर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा तपा हुआ रहता है। आसपास के लोग भी उनसे डर कर किनारा कर लेते हैं। लेकिन शांत स्वभाव वाले ईश्वर प्रेमी के घर सदा शांति का वातावरण रहता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के संकल्प, विकल्प, स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति तथा जैसा अन्न वैसा मन के प्रभाव के अनुसार ओरा निर्मित होकर वातावरण में फैलता है। आज तो सारे संसार में पाप का घड़ा भर गया है, पांचों तत्व उग्र हो गए हैं। अमेरिका के वाच नामक संस्थान ने यह संकेत दिया है कि अति शीघ्र भारत में पानी की कमी से प्रचंड समस्याएं निर्मित होंगी, चारों ओर हाहाकार मचेगा। साधारण से लेकर विश्व के नामी ग्रामी विद्वान, पंडित, शास्त्र यज्ञ, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक आश्चर्यचकित होकर सोच में पड़े हैं कि अब दुनिया का क्या होगा। वे ये कहते हैं कि दुनिया का विनाश नजदीक है, लेकिन विनाश के बाद क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं है। आज तो अपने आप को महासत्ता कहलाने वाले एक साधारण से उग्रवादी भी भयभीत हो उठे हैं। समस्याओं के निवारण के लिए देशों के प्रबुद्ध लोग सम्मेलन करते हैं, लेकिन कोई सार्थक समाधान सामने नहीं आ रहा है।
लगभग 75% लोग पौष्टिक भोजन नहीं खा पाते। रहने के लिए मकान, पीने के लिए पानी और बिजली भी उपलब्ध नहीं होती। कई राज्यों के ग्रामीण भागों में 18 घंटों और शहरी भागों में कई घंटे बिजली गायब रहती है। पीने के पानी में मिली हुई गंदगी को देखकर जी मचल उठता है, क्योंकि अधिकतर पानी के स्रोतों के किनारे पर झोपड़पट्टी और कल कारखाने हैं। इनमें से निकली हुई गंदगी बरसात के पानी के साथ बहकर जल स्रोतों में जा मिलती है और परिणाम निकलता है मलेरिया, हिमपात, चिकनगुनिया, टाइफाइड आदि महामारियों के रूप में। आज सच्चाई, ईमानदारी, इंसानियत देखने को भी नहीं मिल रही है। सभी एक दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तीन मास की मासूम बालिका से लेकर अस्पतालों में रह रही महिला मरीजों तक पर अत्याचार होने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुर्दों की देखभाल करने वाले भी रिश्वत ले रहे हैं। कलयुग के अंतिम चरण की सभी निशानियां उग्र रूप में पैदा हो रही हैं। हर व्यक्ति की कदम कदम पर समस्याओं के कारण समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। बेरोजगारी और महंगाई का विस्तार दिनों दिन होता जा रहा है। केवल आश्वासनों से ये समस्याएं नहीं मिटती। भाषण करने से राशन नहीं मिल सकता। आज से 10 वर्ष पहले जो भ्रष्टाचार चुपके चुपके होता था, आज वो खुलेआम हो रहा है। दूध, जो हर आयु के मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार माना जाता है, आज उसमें भी धन के लालच में रासायनिक पदार्थ मिलाकर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली दवाइयों की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं। इन सब बातों से यह सिद्ध हो रहा है कि मानवता सने सने विनाश के मुख में प्रवेश करती जा रही है। मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझता कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो यह धन संपत्ति किस काम आएगी? एक भगवान के सहारे के बिना कुछ भी काम आने वाला नहीं है। धन, अनाज, पानी होते भी, सगे संबंधी होते भी, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल पुण्य का खाता ही साथ जाएगा। अभी थोड़ा समय बाकी है। रोज कुछ पल अनमोल ईश्वरीय ज्ञान योग का खजाना जमा करें तो अंत समय तक भरपूर हो जाएंगे। जैसे कि एक प्रसिद्ध कहानी है, एक बार किसी गरीब को देखकर पार्वती जी ने शिव परमात्मा को कहा कि इसे अमीर बना दो। शिव परमात्मा ने उन्हें समझाया कि अमीरी श्रेष्ठ कर्मों का फल है, लेकिन पार्वती के जिद करने पर उन्होंने उस गरीब के रास्ते में एक सोने का कलश रख दिया। भाग्यहीन गरीब व्यक्ति को ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही, अंधे व्यक्ति कैसे चलते हैं। वह आंखें बंद कर आगे बढ़ने लगा और कलश से 50 कदम आगे चलकर आंखें खोली। इसलिए कहा गया है, पात्रता के बिना कुछ भी मिलता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमें भी ज्ञान कलश प्रदान करने आए और हम भी आंखें बंद करके सोए रहें और सामने पड़े भाग्य को पहचान ना पाए। ऐसी स्थिति से बचने का उपाय है, हम कलयुग के अंत में अवतरित हुए भगवान को पहचाने और उसके कार्य में उसके साथी बने। अनेकों को और दूसरों को अच्छा बनाना, अशांत आत्मा को शांति देना, निर्बलों को बल देना, सर्व पर रहम करना, यही परमात्मा के कार्य में सहयोग देना है। भगवान ने कहा है कि आने वाला कल भारत भूमि पर स्वर्ग के नजारे निर्मित करेगा। श्री कृष्ण चेतन रूप में फिर से यमुना के किनारे देवी देवताओं के साथ रास रचाएंगे। उस देवीय संसार में कोई रोग, शोक,
दुख, अशांति, गरीबी और समस्याओं का नामो निशान नहीं होगा। बाबा यथा राजा तथा प्रजा सभी सर्वगुण संपन्न होंगे। अतः सभी से निवेदन है कि नाजुक समय को देखते हुए, विनाश को करीब आता देखते हुए, अब अंत समय को स्मृति में रखें। अपने समय को ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करने में, ईश्वर से योग लगाने में सफल करें। ईश्वरीय कार्य में ईश्वर के मददगार बने। निकट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्रों से संपर्क करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर कर परमात्म सेवा में भागीदार बने। अच्छा, ओम शांति।